कोरोना वायरस के एक खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की रात राष्ट्र को संबोधन किया और यह दूसरा संबोधन है लगातार पिछले चार दिनों में प्रधानमंत्री के द्वारा, और यह इसके दर्शाता है कि कोरोना की समस्या कितनी गंभीर समस्या बन चुकी है अभी पूरे देश के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए। दुनिया भर में कोरोना से पीड़ित लाखों के संख्या में मरीज हैं और इसकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 180 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं और इस समस्या से जूझने के लिए, इस महामारी से जूझने के लिए पूरी दुनिया जद्दोजहद कर रही है और लगातार संघर्ष कर रही है। और इसको सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका ऐसा कहा जा रहा है कि इसका कोई प्रॉपर इलाज अब तक इसका तय नहीं है, इसके कारण लोगों की परेशानी अधिक बड़ी बनी हुई है। और इसको लेकर के सारे जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी काफ़ी समस्या, जहाँ की बेहतर मेडिकल सुविधा है वहाँ भी लोग लगातार परेशान हैं और इस समस्या को मतलब झेलने में लगातार इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार संघर्षरत हैं, लेकिन यह इसकी संख्या में अब तक कमी नहीं हो पा रही है और हजारों लोग अपनी जान इस कोरोना वायरस के कारण गंवा चुके हैं, जिसके कारण हम आपको दिखाते हैं कि भागलपुर का जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ 6 प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी ट्रेन बिल्कुल अपने अपने पटरियों पे पड़ी है और सारी ट्रेन बिल्कुल स्थिर, जैसे पहिए पे ब्रेक लग चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में रेल यातायात को पूर्ण रूप से कोरोना वायरस के खतरे के कारण बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से, केवल और केवल मालगाड़ी को चलाने का आदेश दिया गया है, जिससे कि माल जो भी ढोने की समस्या है वो पैदा ना हो, लोगों को समय पर खाने पीने की सामग्री हो या जो भी सामान है वो उपलब्ध हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो है इसको किया जा रहा है, प्रयास लगातार किया जा रहा है, लगातार इसके लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सभी इसमें एकजुट होकर के लगातार देशवासियों की रक्षा के लिए और देश को इस कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं। और इसके लिए यह भी कहा जाता है कि इसके लिए बचाव का एकमात्र कारण है जो हम आपस में, जो इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है उस गाइडलाइन को हम फॉलो करें, जिससे कि हम इस भीषण समस्या से बच सकें और इस बीमारी से बच सकें। हम आपको यह बता दें कि 22 तारीख से रेल के चक्के पर ब्रेक लग चुका है, रेल के पहिए नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरे को देखकर जो प्रधानमंत्री ने अपने पहले राष्ट्र के संबोधन में यह कहा था कि जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था 22 मार्च को, और 22 मार्च से ही रेल का परिचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन स्थिति बिगड़ती हुई देखकर इसे अब लगातार आगे बढ़ाने की बात कही गई है और अगले 14 अप्रैल तक रेल पूरे देश में रेल का यातायात परिचालन बंद रहेगा और इस बीच केवल और केवल मालगाड़ी चलेगी। यहाँ भागलपुर स्टेशन पर जो पहले आपने देखा था पहले भी कि यहाँ सिर्फ इंक्वायरी काउंटर खुले हुए थे, कॉमर्शियल विंग हो, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी के अलावा यहाँ आपको कोई नहीं दिखेगा, बस ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सफाई के कर्मी, तो इसलिए कि साफ सफाई इस कोरोना वायरस और किसी भी तरीके के बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए सबसे आवश्यक है, इसलिए सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं और लगातार सफाई भी करते रहे हैं, और पुलिस कर्मी भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि सुरक्षा की जिम्मेदारी इन पर होती है, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, और कॉमर्शियल विंग जो पूरे तंत्र की यहाँ पर वो जिनकी जिम्मेदारी है वो लगातार अपने कार्य में जुटे हुए हैं और उसको लगातार अंजाम देने में लगे हुए हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो और सरकार के द्वारा जो यह आह्वान किया गया है, यह जो लॉकडाउन किया गया है उसको किया जा सके सही से तरीके से, उसको किया जा सके
जा सके और इस खतरे को हम टाल सके और इससे राहत पा सके, क्योंकि इसका प्रॉपर इलाज अब तक नहीं होने के कारण लगातार लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। और डॉक्टर चाहे जिस भी स्तर के हों, देश दुनिया में जो भी जो बड़े सशक्त जो भी विकसित देश हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो विकसित देश हैं वो भी इस कोरोना वायरस के खतरे से जूझने में लगातार नाकाम दिख रहे हैं और लगातार मृतकों की संख्या इसमें बढ़ रही है। और इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर जो सन्नाटे का माहौल है वो लगातार अभी बना हुआ है, पूरा प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा रेल के अधिकारी का भी कहना है कि इसके पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी गई जी, जबकि रेल का परिचालन पूरी तरीके से बाधित हो और इस तरीके से पूरी तरीके से बंद किया गया हो, कभी भी इस तरह का माहौल नहीं देखा गया है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ सुरक्षाकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से निभा रहे हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है अभी सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मी के साथ स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने में लगे हुए हैं, जिससे कि कोरोना वायरस की महामारी से पूरी दुनिया लड़ सके, पूरे देश को सुरक्षित किया जा सके, जिससे कि इस खतरे को टाला जा सके, क्योंकि इसके लिए हम सबों को एकजुट होना होगा। और हम जो है हम इसके साथ ही हम सिल्क टीवी की ओर से भी हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि सरकार द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो है सोशल डिस्टेंसिंग को लगातार मेंटेन करें, कहीं भी भीड़ जमा ना होने दें और आपस में दूरी बनाए रखें लगातार, जिससे कि परेशानी नहीं हो। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हर संभव प्रयास करें कि घरों से बाहर ना निकले, घरों से अति आवश्यक स्थिति में आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर आए, अन्यथा बाहर ना आए। कम से कम जो 21 दिनों का जो यह चयन तय किया गया है सरकार की ओर से, जो यह निर्णय लिया गया है उसको हम फॉलो करें, जिससे कि लोगों को इस समस्या को टाला जा सके। और लगातार हाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा प्लेटफॉर्म सन्नाटा पसरा हुआ है, केवल और केवल आपको यहाँ पर सुरक्षाकर्मी ही दिखाई देंगे या सफाई कर्मी, और जो भी अस्पताल है वहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी, इसके अलावा कहीं किसी की कोई उपस्थिति नहीं है। और सभी को कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सभी कार्य को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि पूरे देश में रेल परिचालन को बंद किया गया है और इसका कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सके और इससे निजात पाया जा सके। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे लगातार संघर्ष कर रही है। और हम सिल्क टीवी की ओर से एक बार फिर से अपील करते हैं कि सरकार द्वारा दिए गए सभी गाइडलाइन का पालन करें और अपने सुरक्षित रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, जिससे देश और पूरा विश्व सुरक्षित हो। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर।